लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिया है और यह फैसला दूसरी बार उनकी तरफ से दोहराया गया है और अब सबकी नजरें गवर्नर हाउस पर लगी हैं क्योंकि गवर्नर मनोज सिन्हा साहब की तरफ से साफ कर दिया गया कि बेघरों को घर मिलेगा और जमीन भी मिलेगी और इस सिलसिले में बहुत जल्द कानून को मुतारफ कराया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो अखनूर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, पंचायती नुमाइंदे थे, आम शहरी थे, मकामी लोगों से बात की जा रही थी और कहा कि बेजमीन गरीबों को, जिन लोगों के पास जमीन भी नहीं है घर भी नहीं है, तो दोनों चीजों के बंदोबस्त जो है वो सरकार करेगी। एक तो उनने कहा कि वो जो जमीन के कानून यहां बनाए गए थे, जो कम बहुत ज्यादा गरीब लोग थे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलग के इस बयान पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी सवाल उठाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जो लैंड लॉज जम्मू कश्मीर के अंदर थे वो समझ से बाहर थे, तो उनको तब्दील करके गरीब लोगों को जमीन के साथ साथ वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसको पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, उस स्कीम के तहत घर दिया जाए, ये सरकार का मंसूबा है। अनकरीब नोटिफिकेशन इस सिलसिले में जारी हो सकती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, इसके लिए एक बड़ा ऐलान और यकीन दहानी भी कराई गई है। साथ ही उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई कि हुकूमत ये मानती है कि मुल्क के जो वसाइल है उस पर पहला हक गरीबों का है, देहात और शहर के दरमियान जो खलीज है, जो खला है या गैप है, उसको खत्म जरूर किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुताबिक। और जम्मू के अंदर अखनूर में गरखल सरहदी गांव जहां पर कल तकरीब थी, कुछ खेल सरगर्मियां भी अंजाम दी गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर बतौर मेहमान खुसूसी यहां शरीक हुए और खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि समाजी और इक्तिसादी तरक्की को तेज करने के लिए हर एक शहरी को साथ ले चलना जरूरी है, लिहाजा माजी में जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे इकदाम उठाए जाते रहे जहां पर चुनिंदा अफराद को फायदा पहुंचाया गया और हुकूमतों ने गरीबों को हमेशा से उनके बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। इस पर पलटवार भी कुछ लोगों की तरफ से किया गया, लेकिन दो तीन बड़ी बातें लेफ्टिनेंट गवर्नर की। एक तो ये कि देहात और शहरों के दरमियान जो गैप है उसको खत्म किया जाएगा। दूसरा, बेजमीन जो गरीब है जिनके पास टोटली या तो जमीन नहीं है घर नहीं है, वो ऑप्शन भी सरकार के पास है, जल्द उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। जो नोटिफिकेशन वाला मामला है, इसमें हमने देखना होगा कि इस जिम्मे में महकमा देही तरक्की पंचायती राज हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरफ से 4 जून ता 10 जून तक जिला सतह पर और ब्लॉक सतह पर खसूसी कैंपों का इनेकाद किया जा रहा है, यानी जिनके पास मकान नहीं है, जमीन नहीं है, तो वो इन कैंपों में जाएं, इन ब्लॉक कैंपों में जाएं, अपने नाम का इंदराज कराएं, क्योंकि जब तक आपका नाम इंदराज नहीं होगा सबसे पहला काम यही है, उसके बाद ही हुकूमत देखेगी कि कितनी जमीन जरूरत है, कितने मकान बनाने हैं। और यही बात है कि मरकजी वजारत बराए देही तरक्की ने हुकूमत जम्मू कश्मीर इंतजामिया को साल 2023-24 यानी इस माली साल के लिए 1,99,550 PMAY ग्रामीण घरों की तामीर को मंजूर किया है, 1,99,550। और यही वजह है कि महकमा देही की तरक्की, जिसके आप पंचायती हुकूमत कहते हैं, वो पंचायती राज इलाका जो है वो 4 जून से 10 जून तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कैंप कर रहे हैं ताकि फिरिस्तों को तश्कील दिया जाए और मुस्तहिक अफराद के अंदर जमीन भी दी जाए और मुस्तहिक अफराद जो है वो इस स्कीम के तहत अपना घर बनाएं, अपने कमरे बनाएं और खुशहाली की जिंदगी जो है वो बसर करें। लोगों के पास यहाँ आवास की कमी है, इस तथ्य को हम सब जानते हैं और अब कोशिश हम सब कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हर गरीब व्यक्ति के पास अपना घर होना चाहिए, अभी भारत सरकार ने 1,99,500 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को दिए हैं और उसमें 19,000 से ज़्यादा केवल जम्मू जिले को मिला। तो मुझे लगता है कि जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनको वास्तव में ज़रूरत है, मुझे नहीं लगता कि अब कोई छूटेगा। एक कठिनाई है उन लोगों की जिनके पास जमीन नहीं, यहाँ के जो भूमि कानून हैं, लैंड लॉज हैं, वो पता नहीं किन लोगों ने बनाए थे। किसी गरीब व्यक्ति को जिसके पास जमीन नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर नहीं मिल सकता था क्योंकि सरकार के पास जमीन देने का कोई प्राविधान नहीं था। अभी दो दिन पहले जम्मू में एक बैठक हुई थी, डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, डीसी साहिबा भी थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे। हम लोगों ने फैसला किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज कल में वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है उनको सरकार जमीन देगी और प्रधानमंत्री आवास योजना भी देगी। मैं समझता हूं कि किसी भी
तरफ से बेजमीन गरीबों को जमीन और घर दोनों चीजें दी जाएंगी, इसके लिए एक बार फिर से यकीन दहानी कराई।